हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज बात करने वाला हूँ आदि पुरुष मूवी जो है उसके रिव्यू के बारे में। वीडियो पहली बार देखे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब। रिव्यू करने से पहले मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, नज़रिया सबका अलग अलग हो सकता है। जो मेरा है इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। पूरे जो मूवी लगभग 3 घंटे की है, तो अगर पूरे मूवी की बात करूँ तो मूवी में 3 घंटे में पूरी की पूरी जो रामायण की स्टोरी आपने पहले भी देखी होगी उसको उतारना काफ़ी मुश्किल का काम था, जो कि इसमें आप कह सकते हैं कि उन्होंने उतारा। जो डायरेक्टर हैं, जिन्होंने जो राइटर हैं, जो पूरी कोशिश थी, और साथ ही साथ कई सारे विजुअल्स थे जो ठीक लगे। लेकिन आपको बताना चाहूँगा कि जो मूवी है पूरी तरह से मुझे लगता है कि आपको निराश करती है। स्पेशली अगर आप डिवोशनल मूड में जाते हैं, भक्ति भाव के मूड में जाते हैं और एक फील करने 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 जाते हैं डिवोशनल को, भक्ति को, और जिस तरह से रामायण को आपने पहले भी देखा होगा उस चीज़ को फील करने जाते हैं, तो वहाँ पर आपको मूवी निराश करती है। और बात करें जो VFX वगैरह की बात हो रही थी, तो VFX कई जगहों पर आपको देखने को मिल जाएगा कि VFX यूज किया गया है, यानी कि क्लियर नहीं आपको नज़र आएगा, साफ आपको पता चल जाता है कि यहाँ पर VFX यूज हुआ है। और साथ ही साथ जो जो भी रोल जिनको दिया गया था, एक बार भी मैं इस अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं कनेक्ट नहीं हो पाया, सिवाय हनुमान जी का जो रोल जिन्होंने किया है, उनके करेक्टर से आप कहीं कहीं पर कनेक्ट हो पाएंगे, लेकिन उसके अलावा किसी भी करेक्टर से आप वहां पर जो रोल जिसको दिया गया था वो उससे आप कनेक्ट नहीं होने वाले हैं। और बात करूं कि जो VFX और जिस तरह से लेटेस्ट वर्जन में आपको दिखाया गया या जो तकनीक का सहारा लिया गया, उसमें कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मूवी जो है वो जो रियलिस्टिक चीज़ें हैं उसको मिस करती है, और वहाँ पर आपको साफ साफ बहुत बड़ा गैप नज़र आएगा। आप जिस तरह के भाव से आप जाए गए होंगे आदिपुरुष देखने के लिए, वहाँ पर आपको मुझे लगता है निराश करने वाली, क्योंकि मैं तो निराश हो चुका हूँ। पब्लिक का भी यही रिएक्शन था जब इंटरवल हुआ, और उसके बाद जब टॉयलेट वगैरह आप जाते हैं और कुछ आपको खरीदना होता है, खाना होता है तो आप लेने जाते हैं, तो वहाँ पर पब्लिक का यही कहना था। मॉर्निंग का शो था और अभी आप देख रहे हैं मैं नहाया धोया भी नहीं, और 8:45 का शो था तो मैं उठ के चला गया, तो लोगों का यही कहना था यार इससे अच्छा तो सो ही लेते, ये वर्डिंग थी। और जब क्लाइमेक्स हो गया मूवी का, तो क्लाइमेक्स में भी लोगों ने कहा कि ये थी रामायण, ये हम देखने आए थे, इस तरह के कमेंट्स वहाँ पे आ रहे थे। एक चीज़ कहना चाहूँगा कि जब से मैंने रिव्यू चैनल स्टार्ट किया है, रिव्यू देना स्टार्ट किया है, तब से पहली बार मॉर्निंग शो में इतनी पब्लिक मैंने देखी थी जो कि आए हुए थे इतनी, मतलब कि और मूवी की बात करूं या रिव्यू आप देखेंगे या जो ब्लॉग वाला चैनल है सागर टाइम्स ब्लॉग वाला, काफ़ी कम है, मतलब 5-10 इससे ज़्यादा नहीं होते होंगे, नहीं थे जब भी मैंने मूवी देखी है, लेकिन इसमें पब्लिक थी लगभग रहे होंगे 50 के आसपास, 50 तो नहीं होंगे, 30-35 तो रहे ही होंगे, लेकिन वो पूरी तरह से निराश ही निकले हैं क्लाइमेक्स होने के बाद और इंटरवल में भी। तो ये मेरी तरफ से रिव्यू है, और बाकी मैंने आपको बता ही दिया। एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि एक ही बार आपको कनेक्शन फील होता है कि हाँ आप मूवी देखने आए हैं, वो भी कॉन्सेप्ट जो लिया गया है रामायण का, रामायण दिखाने की इसमें पूरी कोशिश रही उनकी, पूरी स्टोरी को, काफ़ी स्टोरी तो मिसिंग भी है और वो कभी आपको नज़र आ जाएगा आप जब देखेंगे। मूवी की बात करूँ तो उसमें जो फाइट सीन है सिर्फ वही दिखाया गया है, ज़्यादातर क्या वही बेस्ड ही है। मूवी शायद स्टार्ट होती, थोड़ा सा मिस हो गया मेरे से स्टार्टिंग में, मूवी स्टार्ट होती है कि सीधे ही आपको जो वनवास होता है राम जी का, वहाँ पर जाकर के मूवी स्टार्ट होती है वहाँ से, और जो रावण वध तक होता है, यानी कि रावण का जब एंड हो जाता है, राम जी उनको रावण को मार देते हैं, वहाँ पे मूवी ख़त्म हो जाती है। तो ये स्पेशली इतना ही दिखाया गया, और काफ़ी चीज़ें मिस कर दी गई हैं जो कि ऑडियंस के आप फेस देखेंगे या आप जब खुद जाएंगे देखने तो वो आपको साफ झलकता हुआ नज़र आ जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, और मेरे हिसाब से जो ये रिव्यू रहा, और हाँ मैं ये कह रहा था कि जब गाना चलता है, जो गाना है उसमें मूवी में एक ही बार आपको कनेक्शन, एक ही बार आप कह सकते हैं या फिर ये कह सकते हैं कि जब भी गाना चलता है राम जय सिया राम जय सिया राम, इस तरह से करके जो गाना है, सिर्फ वहीं पर आपको थोड़ा सा फील आता है कि आप डिवोशनल मूवी देखने आए हैं, और एक भक्तिभाव से आप जिस हिसाब से आप जो सोच करके गए हैं वो वहीं पर सिर्फ आपको फील होता है जब वो गाना चलता है बैकग्राउंड में, नहीं तो उसके अलावा मूवी ने कहीं भी अपने आप से कनेक्ट नहीं किया, वैसी फीलिंग्स नहीं दी जिस फीलिंग के साथ आप गए थे देखने, या जो आपकी एक्सपेक्टेशंस थी इस मूवी को लेकर के, मुझे लगता है जो कि मेरा
पर्सनल रिव्यू है, नज़रिया सबका अलग अलग हो सकता है। और जो जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही कहा, इतने बड़े टॉपिक को और सिर्फ 3 घंटे में लगभग ख़त्म करना, और साथ ही साथ जो नई टेक्निक्स हैं उनका सहारा लेकर के बनाना कोई चीज़ नए तरह से पेश करने की कोशिश जो थी, उस पर तो आप ये कह सकते हैं कि अच्छा ट्राई था उनका, लेकिन कहीं ना कहीं मूवी जो है वो आपको डिसअपॉइंट करती है, और कहीं ना कहीं जो जिस हिसाब से आप सोच के जाते हैं उस पर खड़ी मूवी तो नहीं उतर रही है मेरे हिसाब से। ये मेरा नज़रिया है, सबका नज़रिया अलग अलग हो सकता है, चैनल की टैगलाइन भी है। मिलते हैं अगली वीडियो में, इस वीडियो में इतना ही, चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपको कैसी लगी मूवी अगर आपने देख ली है और ये रिव्यू आप देख रहे हैं तो ज़रूर कमेंट करके बताना, और आपको क्या अच्छा लगा और क्या नहीं वो भी कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, इस वीडियो में इतना ही, नमस्कार।